नमस्कार, मैं प्रिया। आज 3 दिसंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। शहरी विकास और आवास विभाग ने जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल के पद के लिए निकाली रिक्त दिया। शहरी विकास और आवास विभाग ने 442 पदों पर जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। वो उम्मीदवार जो इच्छुक हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना पढ़ने के लिए अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवारों को भर्ती के अनुसार सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 दिसंबर से पहले इन पदों के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी ले सकते हैं। बिहार जुडिशियल मजिस्ट्रेट पीटी परीक्षा टालने की याचिका हाईकोर्ट में हुई खारिज। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके बाद अब यह परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही होने वाली है। कोरोना को लेकर इस परीक्षा को टालने के लिए दायर लोकहित याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह परीक्षा 6 दिसंबर को होने वाली थी। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने ख्याति सिन्हा और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया है। बिहार में कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 680 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 236,778 पर पहुंच गई है। वहीं टॉप 3 प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में कुल मिलाकर 233 मामले सामने आए हैं, पूर्णिया में 50 और सहरसा में 34 मामले सामने आए हैं। जहानाबाद के हजरत बीवी कमाल साहिबा का मकबरा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह मजार काको प्रखंड में स्थित है। हजरत बीवी कमाल का मूल नाम मखदुमा बीवी हटिया उर्फ बीवी कमाल है। उन्हें देश की पहली महिला सूफी संत होने का गौरव हासिल हुआ है। कहा जाता है कि साल 1174 में बीवी कमाल अपनी बेटी दौलती बीवी के साथ काको आई थी। यहां आने के बाद से ही वो काको ही रह गई। उनके मजार पर शेरशाह तथा जहां आरा जैसे मुगल शासक ने भी चादर पोशी कर दुआएं मांगी थी। बीवी कमाल के मजार पर आज भी लोग रूहानी इलाज के लिए आते हैं और मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि इस मजार के पास एक अति प्राचीन कुआं है, जिसका इस्तेमाल फिरोज शाह तुगलक ने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए किया था। बिहार की सड़कों पर इसी महीने से दौड़ेंगी 70 लग्जरी और डीलक्स बसें। राजधानी समेत बिहार की सड़कों पर इसी महीने से 70 लग्जरी, डीलक्स और सेमी डीलक्स बसें उतरेंगी। अगले साल जनवरी से 20 इलेक्ट्रिकल बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। ये बसें पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी। परिवहन विभाग ने इसको लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि परिवहन मंत्री शीला कुमारी दोनों ही सुविधाओं को जल्द ही हरी झंडी दिखाएंगी। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस महीने शुरू होने वाले 70 बसों में 15 बसें लग्जरी हैं, इसके अलावा 25 बसें डीलक्स जबकि 30 बसें सेमी डीलक्स होंगी। बिहार के गांवों में ग्रामीण को अब नहीं देना होगा होल्डिंग टैक्स। बिहार के गांव कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों को होल्डिंग टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से सशक्त करने को लेकर, उन्हें टैक्स वसूली का अधिकार दिए जाने को लेकर बन रही नियमावली से गांव में होल्डिंग टैक्स लेने का प्रावधान हटा दिया गया है। पहले नियमावली के प्रारूप में गांव के पक्के मकानों से होल्डिंग टैक्स के रूप में मामूली राशि यानी कि लगभग 50 पैसे से 1 रुपए तक लिए जाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को भी इससे अलग रखा गया था, पर अब पूरी तरह से इस प्रावधान को हटाया जा रहा है। बीएसईबी बिहार बोर्ड के मेधा दिवस को किया गया स्थगित। बिहार बोर्ड का मेधा दिवस स्थगित कर दिया गया है। बिहार बोर्ड की तरफ से 3 दिसंबर यानी कि आज मेधा दिवस मनाया जाना था, जिसमें बिहार मैट्रिक और इंटर के टॉप 10 और टॉप 5 छात्रों को पुरस्कृत किया जाता। इसके साथ ही राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के छात्रों को भी 3 दिसंबर को सम्मानित नहीं किया जाएगा। इस बार मेधा दिवस के मौके पर 75 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाना था। बोर्ड की माने तो टॉपर को 1-1 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी जानी थी। बिहार के 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक अब भागलपुर के नेतृत्व में सीखेंगे शिक्षण कौशल। बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षकों में शिक्षण कौशल के सतत विकास के लिए अब सभी को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षणों के लिए एक नीति भी जल्द ही बनाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक समिति बनाई है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए बनाई गई इस समिति के नेतृत्वकर्ता भागलपुर स्थित सीटीआई के प्राचार्य डॉ राजेश को बनाया गया है। इस बाबत डॉ राजेश ने बताया है कि अभी प्रशिक्षण होता है, लेकिन इसकी रणनीति फिलहाल नहीं बनाई गई है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आज ही के दिन यानी कि 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता था। वहीं हर साल उनके जन्मदिन के अवसर पर जयंती के रूप में मनाया जाता है। गंगा नदी पर जल्द ही बनेगा एक और पुल। बिहारवासियों को जान से निजात दिलवाने के लिए साथ ही गंगा नदी पार करने के लिए एक और पुल का निर्माण जल्द ही करवाया जाएगा। पुल बन जाने से बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर से पटना आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। बता दें कि बेगूसराय के मटिहानी शामहो के बीच बनने वाला यह पुल बिहार में गंगा पर बनने वाला 15वां पुल होगा। गंगा नदी पर बनने वाला यह पुल NH 31 और NH 80 को जोड़ेगा। इसके साथ ही बिहार को झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आने जाने के लिए एक नया रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। अब अपने निजी जमीन पर पौधे लगाने के लिए सरकार देगी पैसे। मनरेगा योजना के तहत अब निजी भूमि पर योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें लाभुकों के खुद की जमीन पर पौधे लगाने का काम किया जाएगा। एक लाभुक के पास पर्याप्त भूमि नहीं रहने पर 2-3 किसान मिलकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण विकास की ओर से तय मानक के तहत इस अभियान में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जातियां, गैर अनुसूचित जातियां, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, महिला प्रधान परिवार, दिव्यांग प्रधान परिवार, भूमि सुधार के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी निजी भूमि पर सामाजिक वनीकी के तहत अपनी जमीन पर योजना की शुरुआत कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को बिहार में बांटने के लिए योजना पर शुरू हुआ काम। कोरोना के माहौल में जल्द ही अब वैक्सीन के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही बिहार में लोगों के पास पहुंच सके इसकी तैयारी भी तेज कर दी गई है। इसके समुचित वितरण और कोल्ड चेन के प्रबंधन के लिए योजना पर काम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसको लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार ने कोरोना संक्रमण को रोकने और इस पर नियंत्रण के लिए बेहतर काम किया है। बिहार देश और दुनिया के सामने एक बेहतर मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आया है। राजधानी पटना में कोरोना वैक्सीन परीक्षण का तीसरा चरण शुरू होगा आज से। ICMR और भारत बायोटेक द्वारा तैयार वैक्सीन के 2 चरणों की सफलता के बाद तीसरे चरण का परीक्षण पटना एम्स में 3 दिसंबर से होगा। MS डॉक्टर CM सिंह ने इस बाबत बताया है कि 2 चरणों में 90 वॉलंटियर पर वैक्सीन का परीक्षण किया जा चुका है। अब तक किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है, जिसके बाद अब तीसरे चरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में एम्स पटना में 1000 वॉलंटियर पर वैक्सीन परीक्षण करने का लक्ष्य है। पहला डोज से दूसरे डोज का अंतराल 28 दिन का होगा। 18 से 55 वर्ष तक के लोगों पर परीक्षण किया जाएगा। बिहार को जल्द मिलेगी नवीन नगर दूसरी यूनिट से 561 मेगावाट बिजली। सभी बिहारवासियों के लिए अहम सूचना। बिहार में जल्द ही एक और नए बिजली घर में उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। औरंगाबाद के नवीन नगर में स्टेज एक की दूसरी यूनिट से बिजली उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जल्द यहां ट्रायल शुरू हो जाएगा। 660 मेगावाट की इस यूनिट को पहले लगातार 72 घंटों तक चलाया जाएगा। इसके बाद इस यूनिट से व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, इस यूनिट से बिहार को लगभग 85% बिजली मुहैया करवाई जाएगी। ज्ञात हो, नवीन नगर में स्टेज एक की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन 6 सितंबर 2019 से ही जारी है। नगर निकायों के आरक्षण में बदलाव की शुरू हुई तैयारी। बिहार के नगर निकायों में आरक्षण में बदलाव की तैयारी आरंभ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण में बदलाव को लेकर जिलों में प्रस्ताव मांगा है। आरक्षण में बदलाव उन नगर निकायों में किया जाना है जहां पर 2 बार आम निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है। जानकारों की माने तो आरक्षण में बदलाव 336 वार्डों में चक्र के अनुसार होगा। हालांकि इन निकायों में मुख्य पार्षद के पद के लिए आरक्षण में बदलाव नहीं किया जाएगा। बेगूसराय नगर निगम का चुनाव अप्रैल 2021 में होना है। पूर्णिया नगर निगम का चुनाव जून 2021 में होना है। वहीं कटिहार नगर निगम का चुनाव जून 2021 में होना है। अपनी जमीन पर जानबूझकर अतिक्रमण करवाने की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कही बात। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों पर अपनी नाराजगी जताई है, जिसके तहत विभाग के अपर सचिव विवेक सिंह ने कहा है कि दूसरे विभाग पहले तो अपनी जमीनों पर अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं और फिर उसका ठीकरा CO पर फोड़ते हैं।
समीक्षा बैठक के दौरान अपर सचिव ने यहां तक कह दिया कि कई विभाग अपनी जमीन पर जानबूझकर अतिक्रमण होने देते हैं या सक्रिय रूप से अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर हर एक सरकारी विभाग से एक जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया था। समीक्षा में पाया गया कि इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई है। बिहार के 5 गांवों को तकनीकी रूप से विकसित करने की तैयारी में जुटा एनआईटी। एनआईटी पटना जल्द ही उन्नत भारत अभियान की शुरुआत करने वाला है, जिसके तहत गांव कस्बों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके तहत एनआईटी पटना को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही बिहार के अन्य टेक्निकल संस्थान को प्रतिभागी संस्थान के रूप में चुना गया है। इस अभियान के तहत संस्थान 5 गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं पर शोध करेगी, साथ ही तकनीकी रूप से मजबूत करने की पहल भी की जाएगी। इसके लिए एनआईटी पटना ने 5 गांवों का चयन किया है, जिसमें पानापुर, सबलपुर, नकटादियारा, जेठुली, नौदेरी का नाम शामिल है। कन्हैया ने केंद्र पर किसानों के विरोध को लेकर साधा निशाना। समूचे देश में कई जगहों पर किसान विरोध करते नजर आ रहे हैं, वहीं किसानों के विरोध के बीच राजनीतिकरण और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने भी अब केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों पर गलत आरोप लगा रही है। किसानों को कोई भड़का नहीं रहा है, वे खुद अपने हितों के लिए डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद किसान के घर से हूं, अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो क्या करेगा? अगर किसान मशरूम की खेती नहीं करेगा तो मोदी जी का गाल टमाटर की तरह लाल टूह टूह कैसे होगा? सुशील मोदी के नामांकन भरने के दौरान उदास दिखे नीतीश। राज्यसभा की एक सीट के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपना नामांकन बीते दिन दर्ज कर दिया है। वहीं सुशील मोदी के नामांकन भरने के बाद नीतीश कुमार काफी उदास दिखे, जिसके तहत उन्होंने सुशील मोदी को तो बधाई दी ही, साथ ही उन्होंने भावुक होकर यह भी कहा कि सुशील मोदी तीनों सदन के सदस्य रह चुके हैं और अब चौथे सदन के भी सदस्य बनने जा रहे हैं। हम लोगों ने साथ में काफी लंबे समय तक काम किया है, हम लोगों की क्या इच्छा थी यह सबको पता है, लेकिन हर पार्टी का अपना निर्णय होता है। ऐसे में इनकी पार्टी अगर सुशील कुमार मोदी जी को केंद्र में ले जा रही है तो यह और खुशी की बात है। चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश की सभी कमेटियों को किया भंग। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत पटना में बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान उन्होंने बिहार की प्रदेश इकाई के साथ सभी जिला कमेटियां भंग करने का ऐलान कर दिया है। संसदीय बोर्ड की इस बैठक में बिहार प्रदेश के सभी उपाध्यक्ष, सांसद, पूर्व विधायक और लोजपा के सभी प्रवक्ता मौजूद थे। यही नहीं, लोजपा के संसदीय बोर्ड की इस बैठक में यह फैसला भी हुआ है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अगले 2 महीने में फिर से सभी कमेटियों को गठन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को अलग विधानसभा चुनाव की अभी से ही तैयारी करने की नसीहत दे दी गई है। बिहार के मनोज बाजपेयी के साथ थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी नीना गुप्ता और साक्षी तनवर। बिहार से निकले अभिनेता मनोज बाजपेयी इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन काम के लिए पहचाने जाते हैं। अपने 25 साल के करियर में उन्होंने बड़े पर्दे पर कई फिल्मों में काम किया है, जो आज भी याद किए जाते हैं। वहीं अब मनोज बाजपेयी की नई फिल्म आने वाली है, यह एक थ्रिलर फिल्म होने वाली है। वहीं इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा नीना गुप्ता और टीवी की मशहूर अदाकारा साक्षी तनवर भी नजर आने वाली है। यह पहली बार होगा जब ये तीन बेहतरीन कलाकार एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। फैंस इन तीनों सितारों को एक साथ देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। कुहासे के कारण नहीं होगी अब कोई भी ट्रेन लेट। अक्सर ठंड के मौसम में सफर करने वाले यात्रियों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार यात्री अपने गंतव्य स्थान तक समय पर नहीं पहुंच पाते। हालांकि अब कुहासे की परेशानी का सामना रेल यात्रियों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुहासे को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सुरक्षित रेल परिचालन को लेकर एक रणनीति बनाई है, जिसके तहत अब ट्रेनों के इंजन में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है, ताकि परिचालन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न आए। इसको लेकर जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने अपनी तरफ से जानकारी साझा कर दी है। उन्होंने बताया कि ठंड और कोहरे को देखते हुए 22 ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई जाएगी, जो कि सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में लगेगी, उसके बाद एक्सप्रेस, मेल पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के इंजन में लगाई जाएगी। तीसरे दिन के मुकाबले में भारतीय टीम को मिली शानदार जीत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच बीते दिन कैनबरा में खेला गया, जहां भारतीय टीम को 2 मैच गंवाने के बाद जीत मिली है। भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जिसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 303 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम मात्र 289 रन बनाकर ही सिमट गई और भारत यह मैच 13 रनों से जीतने में कामयाब रही। वहीं भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या ने नाबाद 92 रन बनाए। इसके साथ ही विराट कोहली ने 63 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही इस मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार नाबाद 66 रन बनाए।
मेड इन इंडिया गेम फौजी का प्री रजिस्ट्रेशन लिंक गूगल प्ले पर हुआ लाइव। पबजी मोबाइल के बैन होने पर आए मेड इन इंडिया गेम फौजी का गूगल प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस गेम की घोषणा सितंबर में की गई थी और उस समय कहा गया था कि गेम अक्टूबर में लाया जाएगा। हालांकि इसके आने में थोड़ी देरी हो गई। प्री रजिस्ट्रेशन का लिंक गूगल प्ले स्टोर पर लाइव हो गया है। रजिस्ट्रेशन करने वाले यूजर को गेम उपलब्ध होने पर गूगल प्ले की तरफ से नोटिफाई किया जाएगा। बता दें कि भारत में काफी पॉपुलर हुए पबजी मोबाइल गेम के बैन होने पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और गेम क्रिएटर कंपनी एनकोर गेम्स ने मिलकर फौजी गेम की घोषणा की थी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,630 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,630 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 84.99 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है राहुल कुमार चौधरी, शिवशंकर सिंह, संदीप कुमार यादव, सुमंत कुमार, रविंद्र पासवान, भाई धनजी पहलवान, के कुमार मासूम, राकेश कुमार, सोहरा बली, श्वेता रॉय, हरिराम सिंह, पवन मुखिया, असलम राज, बिट्टू गुप्ता, शशि कुमार, मनीष राज, जितेंद्र यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है, आप उनके जन्मदिन पर उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।